बनाने जा रही हूँ, बथुए का पकौड़ा, जो बथुए सीजनली में मिलता है और बहुत ही सेहतमंद होता है, हरे हरे है, विटामिन से भरपूर। इसके लिए सबसे पहले मैंने 500 ग्राम बथुआ ली हूँ। इस बथुए को मैं 4 पानी से धो ली हूँ, अच्छे से वॉश कर ली हूँ। अब मैं इसको मिक्सी जार में रख के पीस लूँगी। इस तरह से रख दूँगी थोड़े थोड़े करके और इसको मैं ढक दूँगी। और अब मैं इस बथुए को अच्छे से पीस ली हूँ। अब मैं इसको इस पतीले में निकालूंगी। इस कच्चे चावल को मैं फूलने के लिए रख दी थी, यह 2 घंटे में अच्छे से फूल चुका है। अब मैं इसको धो ली हूँ अच्छे से 2 पानी से। अब मैं इसको भी इस मिक्सी जार में रख के पीस लूंगी। मैं पीस ली हूँ दरदरा सा और इसमें रख देती हूँ। मैं 3 मध्यम भर का प्याज ली हूँ, इसको मैं काट लूंगी। इस तरह से चकोर में काटते जाऊंगी। इस तरह से साथियों मैं प्याज को कट कर ली हूँ। अब मैं ये मिर्ची ली हूँ, ये सारे मिर्ची को मैं कट कर लूंगी। मिर्ची अपने हिसाब से लीजिएगा, जितना मिर्ची खाना पसंद करते हो उतना ही डालिएगा। मैंने ये 4-5 मिर्ची ली हूँ, इसमें डाल देती हूँ। जितने बथुए रहते हैं ना, 250 ग्राम बथुआ है तो उसमें 2 मिर्ची, 500 ग्राम है तो उसमें 4-5, जो जितना खाना चाहते हैं उतना अपना रख सकते हैं अपने हिसाब से। ये अदरक छोटा सा ली हूँ, इसको भी मैं कट कर लेती हूँ। मीन मीन सा इसको भी मैं अच्छे से डिवाइड कर लूंगी। और ये लहसुन की कलियां ली हो, छोटी वाली लहसुन है, इसको भी मैं टुकड़े में काट लूंगी। मीन मीन सा काटते जाऊंगी सारे लहसुन को। को डाल दूंगी ये बथुए में, इस सारे को डाल दूंगी। सारे प्याज, लहसुन, मिर्ची, अदरक सबको मैंने इसमें रख दी हूँ। चावल का जो मैं बनाई थी ना पेस्ट, मैं इसको भी इसी में रख दूंगी। सारे को इसमें मैं रख दूंगी। और इसमें ये चावल कांटा हमने रख दिए हैं इसमें, अब इसमें मैं डालूंगी गेहूं कांटा और इसको मैं मिला लूंगी। इस चम्मच के मदद से अच्छे से इसमें मिक्स कर लूंगी और ये बचे हुए आटे को भी मैं इसी में डाल दूंगी। गेहूं के आटे में अच्छा बनता है बथुए का पकौड़ा। आप चाहे तो बेसन नहीं बना सकते हैं, लेकिन हम लोग को अजवाइन और कराची मिला हुआ दोनों को मैं ऐसे क्रेस करके डाल रही हूँ। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। थोड़ा सा काली मिर्च और जीरा मिर्च दोनों का पाउडर 1/2 चम्मच इसमें मैं डालूंगी। छोटा बड़ा 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच में छोटा चम्मच से 1/2 चम्मच इसमें धनिया पाउडर ऐड करूंगी। 1/2 चम्मच में थोड़ा सा मिर्ची पाउडर भी इसमें मैं ऐड करूंगी। इसको मैं खड़ा धनिया और अजवाइन और सूखा मिर्च ये तीनों को मैं भून ली थी और भून के इसको मैं क्रेस करके रखी हुई हूँ। इसमें थोड़ा सा मोटा वाला मैं डाल देती हूँ, इससे टेस्ट और अच्छा आता है। अब मैं इसमें डालूंगी स्वाद अनुसार नमक, जितना नमक आप खाते होंगे उसी हिसाब से आप नमक डालिएगा। इसमें मिला दूंगी अच्छे से। यह तुरंत बनाने का चीज है, इसको मिक्सी जार में इसको पेस्ट को पीस के नहीं छोड़िएगा, नहीं तो पानी छोड़ देगा। इसीलिए इसको तुरंत ही पीसिए और तुरंत ही बनाइए इसको, तभी अच्छा बनेगा। अच्छे से इसको फेंट ली हूँ, अब इसको मैं पकौड़े बनाऊंगी। डालूंगी तेल, अब मैं इसको कढ़ाई में डाल लूंगी। हरे हरे पकौड़े कितने सुंदर कलर आ रहे हैं और कुरकुरे भी बहुत ही अच्छा। बोलिए प्यारे मेरे भाइयों और बहनों, दर्शकों, दोस्तों, जितने लोग देख रहे हैं, मेरे ये बथुए का हरे पकोड़े बनाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो जरूर कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे को शेयर करें और बेल आइकन का घंटी जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।